लाइफ में एक चीज सीखी है कि मैं किसी से नफरत नहीं करूंगी। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, चलो आज मैं बात नहीं करूंगी बट कल मैं बात कर लूंगी, और मैं मुस्कुराऊंगी जब भी किसी से मिलूंगी, आई विल स्माइल। जब मैं मुस्कुराती हूँ ना लोगों को देख के, तो वापस से मुझे स्माइल मिलती है, और वो स्माइल मुझे एनर्जी देती है मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम से, सारे दुखों से लड़ने के लिए। एंड आई टेल यू, वो एनर्जी काम करती है, राइट? मैं देखती हूँ लोग चप्पलें उठा रहे हैं, लिटरली हाथ से जूते उठा रहे हैं एंड साफ कर रहे हैं, पहना रहे हैं, रख रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, गंदगी उठा रहे हैं, झूठे पत्थर उठा रहे हैं। एंड चलो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों धार्मिक स्थलों को भी छोड़ो, मैं और बहुत, हाँ जी, हरे कृष्णा। दोस्तों आज का YouTube वीडियो रिलेशनशिप सीरीज में से है, साथ ही साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी बातें आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सी, आप में से बहुत सारे दीदी भैया अंकल आंटी अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करते हैं, मुझसे फोन पर बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और जब बीइंग अ थर्ड पर्सन वो प्रॉब्लम देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। सच, इंसान ने बिना मतलब के राई का पहाड़ बनाया हुआ है, और जो वो पहाड़ बने जा रहा है, बढ़े जा रहा है दिन पे प्रतिदिन, उसको छोटा करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, और इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप हैप्पीली अपनी लाइफ के सारे दुखों को गुड बाय कह के अपने रिलेशनशिप को कैसे एंजॉय करें। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, एंड आई टेल यू गाइस, ये वीडियो सबको भेजो क्योंकि सबके बहुत काम आने वाला है। आज की डेट में हर किसी को ये प्रैक्टिसेस को करना चाहिए अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करने के लिए। एंड वीडियो को आगे शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनली फोन पर बात करके कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको मौका देगी। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो में आपसे एक सवाल पूछूंगी, जिस सवाल का जवाब अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर जल्दी से दे दोगे तो यू विल गेट द चांस टू टॉक, और 5 लोगों से मैं बात करूंगी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दूंगी। एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट ये होता है, मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई, मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसा गलत कर्म नहीं किया, पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिल रही है, मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, मेरी तारीफ नहीं होती है, मुझे लोग इतना चुपती हुई बातें क्यों कहते हैं, मेरा कोई अपना नहीं है, मैं इससे बात ना करूं, उससे बात ना करूं, और इतना टॉक्सिक आप लोग खुद को करे जाते हो बिना बात के, राइट? तो आज आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, आपके बाहर कोई प्रॉब्लम हो, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम को मैं साफ कर देने वाली हूँ। आपको क्या करना है, उस चीज को बस प्रैक्टिस करना है, राइट? सी, होता क्या है ना, हम लोग अक्सर, आप लोग भी जाते होंगे गुरुद्वारे, जाते होंगे मंदिर मस्जिद, कहीं पे भी जाते होंगे, यानी किसी भी धार्मिक स्थल पर आप जाते हो, वहां जाकर क्या करते हो, घंटी बजाई, आरती की, कट लिए, यही करते हो अपने लिए बहुत सारा, बाबा जी ये दे देना, भगवान जी ये दे देना, भगवान जी मैनू ये चाहिए, मैनू वो चाहिए, दुनिया भर की आपने चीजें मांग ली और चले गए, मिल गई तो वाह उस वाले भगवान जी वैसे मिल गई मुझे, और नहीं मिली यार ये वाले भगवान जी ना मेरा काम नहीं कर रहे, चलो दूसरे वाले भगवान जी पकड़ लो, ऐसे ही करते हैं लोग जर्नली। बट ऑब्जर्व करने वाली ये चीज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धार्मिक स्थलों पर सेवा करने जाते हैं, राइट? उनको मतलब नहीं है, ठीक है, आरती की नहीं की, पूजा की नहीं की, वो क्या गुरुद्वारों में स्पेशली मैं देखती हूँ लोग चप्पलें उठा रहे हैं, लिटरली हाथ से जूते उठा रहे हैं एंड साफ कर रहे हैं, पहना रहे हैं, रख रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, गंदगी उठा रहे हैं, झूठे पत्थर उठा रहे हैं। एंड चलो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों धार्मिक स्थलों को भी छोड़ो, मैं और बहुत सारे एनजीओज में देखो, या कहीं कोई सेंटर्स में चल जाओ, आप ओल्ड एज होम में चले जाओ, आप देखोगे वहां लोग स्पेशली सेवा करने आते हैं, लोगों की मरहम पट्टी कर रहे हैं, लोगों के गंदे पैर धो रहे हैं, लोगों के पैर दबा रहे हैं, जानवरों के अस्पताल में लोग जा रहे हैं जानवरों की सेवा करने, उनकी मरहम पट्टी करने। मतलब तुम्हें क्या लगता है क्यों कहा गया हम सबके धर्मों में कि सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है? वाई क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि सेवा करने से सदकर्म बढ़ते हैं और जो आपके बुरे कर्म हैं वो कटते हैं। सेवा सबसे बड़ी पूजा है मुझे ऐसा लगता है। बट द थिंग इज दैट कि हम लोग ना वो सेवा बाहर जाके कर लेंगे, बहुत सारे लोग हैं बाहर भी नहीं करते हैं घर, बट अपने घर में नहीं करेंगे, इसलिए आपकी आपके अपनों से नहीं बन रही है। अपनों के लिए सेवा भाव, समर्पण भाव, वो चीजें है ही नहीं। हमेशा एहसान है कि हाँ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसके बाद इन्होंने हमें ऐसा कहा, उसके बाद उन्होंने हमें ऐसा कहा, इसलिए आपकी आपके अपनों से नहीं बन रही है। बाहर वालों के साथ आप वो नहीं कर रहे हैं, बाहर वालों के साथ आप हमेशा यू आर देयर टू हेल्प देम, मक्खन मलाई मार के सब कुछ करने के लिए यू आर रेडी, लाइक 24/7 कॉल किया, अच्छा आई एम कमिंग, आई एम देयर टू हेल्प यू, बट
आपके घर में सिनेरियो क्या है, आपके अपनों के साथ सिनेरियो क्या है जिनके साथ में आपकी नहीं बन रही है, माँ पापा भाई बहन ननंद भाभी सास ससुर ये सबके साथ आपका क्या है, आपको लगता है कि आप उनके लिए कुछ करके एहसान कर रहे हो? नो, वो आपका सामने वाले के प्रति भाव भी नहीं, कर्तव्य है। अब भगवद गीता में तो कहा गया ना अपना कर्तव्य करो, तो लोग सबसे पहले अपने कर्तव्य से पीछे हट जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि अपने कर्तव्य से पीछे हट जा रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं तो एहसान जता रहे हैं कि हमने ऐसा किया, और आपको फिर करने के बाद कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, पूजा है, वो पूजा करने के बाद फिर आपको वापस में रिटर्न एकदम बैक चाहिए है हमें, और नहीं मिलता है तो फिर हम वो कद्दू जैसे मुंह फुला लेते हैं, रिलेशनशिप छोड़ देते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं लाइफ में। क्यों? ये तो वही बात होगी ना, हम मंदिर में गए, हमने शिवजी भगवान को पूजा या जिसको भी आप पूज रहे हैं, जाके आपने उनको पूजा, नहीं मिला इस बार, ये वाले भगवान बेकार है, हम दूसरे बाहर वाले कोई और भगवान ढूंढ लेंगे। क्या कर रहे हो आप? अपने कर्म खराब कर रहे हो। मतलब पता नहीं कौन से कर्मों की सजा आप अब काट रहे हो, और अब के कर्मों की सजा आप कब काटोगे? आप जब जब अपने किसी को हर्ट करोगे तब तब आप भोगोगे, भोगने को आप तैयार हो। तो सबसे पहला जो सीख है ना वो यही है कि सेवा भाव रखो, अपने कर्तव्य को निर्वाह करो और निस्वार्थ सेवा करो। ये नहीं कि हाँ अगर आप किसी फैमिली के साथ कनेक्टेड हो, आप किसी के भाई हो, किसी की बहन हो, या कोई भी आपका रिश्ता है किसी के साथ में, तो आपने कभी सोचा कि उसी के साथ में क्यों है आपका वो रिश्ता, किसी और के साथ में क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हम सब यहां पर किसी ना किसी रीजन से किसी के साथ में है, राइट? कुछ ना कुछ किसी जन्म का कोई उधार है जो हमने चुकाना है, वो हम चुका रहे हैं, और अगर अभी नहीं चुकाओगे तो बाद में चुकाओगे, बट 110% आप वो चुकाओगे। मतलब यू हैव टू पे, आपका कोई उधार है, बहुत सारे लोग करते हैं ना उधार ले लिया किसी से, बाद पे दे देंगे और फिर कट लिए साइड में, नहीं नहीं नहीं, कर्मों से कोई भी नहीं बच सकता है। आपको जो काटना है वो आप काटोगे, आप कहीं और काटोगे, कहीं और नहीं कहीं और काटोगे। तो बेटर है जो स्थिति भगवान ने आपके सामने रखी है ना, वो द बेस्ट स्थिति है, वो द बेस्ट पीपल है, उन्हीं के साथ में काट लो, राइट? तो प्लीज सबसे पहले आप ये है कि अपने ईगो को साइड करके, ये बहुत बड़ी सीख है, अपने ईगो को साइड कर दो बिल्कुल कंप्लीटली। हमारी हमेशा ना मैं सामने आ जाती है, मैं क्यों करूं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। नहीं, जब हम फैमिली में है वो हम हो जाते हैं, सिर्फ आपने नहीं किया, परिवार ने आपका पोषण किया है, चलो थोड़ा किया, ज्यादा किया, या आप उस चीज को उस तरह से, आप उस भाव से देख ही नहीं रहे हैं, आप वहां सिर्फ कोई बिजनेस करने आए हैं जैसे, नहीं, भाव से समर्पण से परिवार चलते हैं, ऐसे नहीं चलते, राइट? तो हम लोग अपने परिवारों में छोटी छोटी बातों में इतना ज्यादा ईगो लेकर बैठ जाते हैं, और हमारी चीजें फुलफिल नहीं होती है तो हमको लगता है यार हमारे साथ में ऐसा हो गया, हमारे साथ में वैसा हो गया, और आप फिर क्या करते हैं, अपनों की बुराइयां शुरू कर देते हैं, और अपने वो जो कर्म जो पिछले खाते के आप काट रहे हैं, आप उसको और बढ़ा दे रहे हैं उन बुरे कर्मों को। तो डोंट डू दिस, तो सेवा कीजिए समर्पण भाव के साथ, साथ ही साथ अपनी ईगो को खत्म कर दीजिए, उसके बाद फिर आते हैं बाहर की जो आप पूजा करते हैं ना, उसके जो आपको अच्छे कर्म जो मिलने शुरू होते हैं, घर वालों की सेवा, घर का काम, घर की चीजें, घर में मुस्कुराओ, बोलो, बातें करो, घर में मुंह फुलाए बैठे हैं, बाहर वालों से घंटों फोन पे लगे हैं, ये सब चीजें आप क्या कर रही हैं, आप कर्म खराब कर रही हैं। आपको बाहर वाले की बातें इसलिए अच्छी लग रही हैं क्योंकि वो वही बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, घर वाले आपको कड़वा बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे, बिकॉज घर वाले हमेशा आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। अगर माना मैं यहाँ सोई पड़ी हूँ, नहीं उठ रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, उठ के ब्रश तक नहीं कर रही हूँ, तो मेरी मम्मी ने आके मुझे बोलना है भाई तू उठ जा, चपेड़े खाएगी, प्यार से तब नहीं बोलेगी, बाहर वाले बोलेगा बीबी उठ जाओ, नहीं, राइट? तो आपको वो चीज समझनी है कि अपनों की कड़वी हर बात अमृत है, और किसी का कहा हुआ वचन जो आपको चुभ रहा है ना, उसने आपका कोई पुराना कर्म काट दिया है। दूसरा, लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो किया, मैंने बहुत किया इसका उसका सो एंड सो का बहुत किया, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, स्टिल मेरी लोग मेरे साथ में अच्छा नहीं कर रहे हैं। इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस कर्मा, आप ये चीज सोचो। सी, जब जब कोई बीमारी आती है ना, मैं अपनी लाइफ में बहुत बीमार पड़ी हूँ, बहुत बार, मतलब मेरी आंखें चली गई थी, मेरे को इतना कुछ हो गया था, स्टिल अभी मैं डेंगू से उठी हूँ, तो मुझे लगता है कि भगवान बहुत कम करके, पता नहीं मेरा कौन सा कुछ बहुत खराब करवा रहा होगा, भगवान ने बहुत कर्म कम करके मुझे वो प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया, बहुत कम दुख दे के, शारीरिक कष्ट दे के निकाल दिया।
बहुत छोटा सा कष्ट देके निकाल दिया। तो भाई आप भोगने के लिए तो आए हो, समझो ना इस चीज को, मुस्कुरा के भोग लो भगवान से। मुझे याद नहीं आ रहा है किसने कहा, बट किसी शायद तुलसीदास जी ने किसी ने कहा कि भगवान तुम मुझे दुख दो, क्योंकि जब जब आप मुझे दुख देते हो तब तब मैं आपके और समीप आ जाऊँ। तो ईश्वर के नज़दीक आप बिना कभी कोई दुख फेस किए तो कभी भी नहीं जा सकते। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख आ रहे हैं ना, तो सोच लो ईश्वर आपको अपने नज़दीक लाना चाहते हैं, आपके बुरे कर्मों को काटना चाहते हैं। वो दुख भगवान ने आपको बहुत कम करके दिया है। इम्पॉर्टेंट, एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ को, आपकी जो लाइफ है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, काफी ज्यादा फैंटेसाइज कर लेते हैं चीजों को। हमने देख लिया लोग बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 5 स्टार में जा रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ऐसे घरों में घूम रहे हैं, इस तरह पार्टीज करते हैं दिस एंड दैट, और हम लोग उसको रियलिटी समझ के जी रहे हैं। वो लोग ऐसा रोज नहीं करते हैं, और उन्होंने वो सब करने के लिए पता नहीं कितना हार्डवर्क किया है अपनी लाइफ में। और आप बिना कुछ किए उस लग्जरी को एंजॉय करने का सोच रहे हो, तो आप गलत सोच रहे हो। हर इंसान की जिंदगी में हर लग्जरी उसके कर्मों के अनुसार आ रही है, राइट? आप जितना, आप क्यों नहीं हो गए अंबानी के घर पैदा, राइट? आप जहां हो वो स्थिति बेहतर है, और आपको अपने कर्म करके उसको बेहतरीन बनाना है। मुंह फुला के, रो के, धो के, चीख के, चिल्ला के, डर के, डरा के, चीजें खराब करके नहीं, ठीक है? तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ यार, ये मेरी स्थिति है, भगवान ने मुझे यहाँ किया है, और मैं अपने कर्मों से, अपनी सेवा से, अपनी पूजा पाठ से, अपने ईगो को हटा के, मुस्कुरा के लाइफ में आगे चल के सब कुछ बेहतरीन कर दूंगा या कर दूंगी। आज बेहतर मिला है, कल को हम इसको बहुत बेहतरीन कर देंगे। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज थिंक हाउ टू करेक्ट इट। चीजों को चुंगम की तरह यूं खींचना इज वेरी वेरी आसान। हम लोग अपनी ईगो में नहीं झुकेगा, मर जाएगा, झुकेगा नहीं पुष्पा, वो सब नहीं भाई, ऐसे खींचो मत। थिंक अबाउट कि हम इसको कैसे ठीक करें, राइट? बहुत सारे लोगों के काफी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाते हैं, माना हस्बैंड वाइफ के टॉक्सिक हो गए, ठीक है, या किसी के भी टॉक्सिक हो गए, राइट? तो बहुत सारे लोगों की कोई चीज टॉक्सिक हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना वो लोग बहुत खराब हैं, वो इंसान खराब था, या वो लोग खराब हैं, वो लड़की खराब, वो लड़का खराब, ये खराब। कोई खराब नहीं है, आज आप उसकी खराबी देख रहे हो, एक दिन आपने उसकी अच्छाइयां देखी। तो जब आपने अच्छाइयां देखी थी, या तो आप तभी खराबियां देखना था, राइट? दोनों पलड़े देखने थे, तब चीजों को एक्सेप्ट करना था अपनी लाइफ में। बट अब वो चीजें हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करके ये सोचो कि हम इसको कैसे बेटर करें। चीजों को स्पॉइल मत करो, हमेशा प्रॉब्लम मत ढूंढो, करेक्शन के ऊपर ध्यान दो। जब हम होमवर्क करते हैं कॉपी में, करते थे छोटे बचपन में, लाइक मेरे पास में कई बार मेरे स्टूडेंट्स की कॉपी आती है, तो मैं उसमें लाल निशान लगा देती हूँ, ये चीज खराब है, ये गलत है, ये तुमने गलत लिखा है, तो करेक्शन मिलता है ना। तो हम फिर क्या करते हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं करेक्ट करके दो, तब फिर हम उसको चेक करेंगे आगे, राइट? तो आपको भी तो करेक्शन करने हैं, आप भी तो अपनी लाइफ के टीचर हो, अपने रिलेशनशिप को आप ऐसे ही तो ठीक करते हो। करेक्शन मांगती है हर चीज, बातें मांग करके, चीजों को करेक्ट करके, सॉल्यूशन की बातें करो, राइट? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम की बातें करते हैं। आज कोई प्रॉब्लम हो गई, बाहर वाला कोई बात करेगा, आप 100 प्रॉब्लम गिनवा दोगे, घर वाला कोई बात करेगा, आप 1000 प्रॉब्लम गिना दोगे, बट आप ये नहीं कहोगे हाँ यार ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है और हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, नहीं। तो आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए सॉल्यूशन की बात करनी है, प्रॉब्लम की नहीं है। प्रॉब्लम को एनालाइज जरूर करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, एनालाइज करना है, ठीक है, बट ये भी सोचना है साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? तो सॉल्यूशन की तरफ तब बढ़ना है, पर प्रॉब्लम पहले पता हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम का गाना गा के प्रॉब्लम कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। किसी चीज को जितना रिपीट करोगे ना उतनी बढ़ जाएगी। सॉल्यूशन की बात करो तो सॉल्यूशन आएगा, करने की कोशिश करो। पहल नहीं करते हैं, बहुत बड़ी चीज है, पहल हम लोग नहीं करते हैं, सामने वाला करेगा, मैं नहीं। एक बार करके देखो, आई विल टेल यू, जिस दिन आपने पहल करनी शुरू कर दी ना चीजों को ठीक करने के लिए, इतनी मर्सी, इतना प्यार ऊपर वाले का आपके पास उमड़ेगा। मैंने ना अपनी लाइफ में एक चीज सीखी है कि मैं किसी से नफरत नहीं करूंगी। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, चलो आज मैं बात नहीं करूंगी, बट कल मैं बात कर लूंगी, और मैं मुस्कुराऊंगी जब भी किसी से मिलूंगी, आई विल स्माइल।
जब मैं मुस्कुराती हूँ ना लोगों को देख के, तो वापस से मुझे स्माइल मिलती है और वो स्माइल मुझे एनर्जी देती है मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम से, सारे दुखों से लड़ने के लिए। एंड आई टेल यू वो एनर्जी काम करती है, राइट? इम्पोर्टेंट थको नहीं, मुस्कुरा के स्वीकार करके आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थको नहीं, मुस्कुरा के स्वीकार करके आगे बढ़ो लाइफ में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समर्पण। अपनी लाइफ में सब कुछ आपका, ये समझो ये जो जीवन है ये मुझे मिला है सब कुछ सही करने के लिए, कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए, और वो सेवा मुझे एहसान दिखा के नहीं करनी है, समर्पण भाव से करनी है, राइट? जैसे शबरी ने क्या किया, बेर तोड़े, झूठे करे, और फिर बाद में राम जी आए, वो खा लिए। राम जी कहते ये झूठे है फल, मैं तो भगवान हूं, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो राम जी ने तो एक्सेप्ट किया, झूठे थे, बूढ़ी थी, जिस भी हालात में थी, जैसी भी थी, एक्सेप्ट किए ना। तो आपको भी भगवान ने आपको जो लाइफ दी है ना, वो एक बहुत अच्छा फ्रूट है, उसको एक्सेप्ट करो, बेटरमेंट की तरफ कार्यरत रहो, राइट? आप ये नहीं देखते, आप देखते हो सामने वाले ने क्या किया, आपने ये नहीं देखते कि आपने क्या किया अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, चीजों को अच्छा करने के लिए। आप पूछे क्या किया तो आप गिनाने लग जाओगे, अगर समर्पण होता तो आप ये गिनाते नहीं, राइट? एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, भोगना ही है, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, आपको सुख भी भोगना है। आपकी लाइफ में सुख भी है, दुख है तो सुख है ना, राइट? कुछ तो सुख होगा, देखोगे तो दिख जाएगा, आंखी दृष्टि चाहिए ना, दृष्टा की, तो भोगना ही है। आप ये सुख कहीं और नहीं तो कहीं और भोगोगे, दुख कहीं यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, कब तक चीजों से भागोगे? भोगोगे तो बेटर है, थोड़े में भोग के खत्म करो। तो अगर मुझे लगता है इतनी क्लैरिटी आप लोगों के लिए बहुत है, आपके रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को, आपके अंदर की टीस को, आपके अंदर के घुटन को खत्म करने के लिए, कि यार समर्पण, सेवा करनी है, एक्सेप्ट करना है, अपने कर्तव्य को निर्वाह करना है, कंप्लेन नहीं करनी है। ये जो थाली है ये भगवान ने दी है, ये जैसी भी है मत्थे लगा के आगे बढ़ना है, एंड सब कुछ भगवान देखेंगे, भगवान ने दिया है। कहा था आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, सवाल ये है कि क्या करने से आपके बुरे कर्म कटते हैं। वीडियो में मैंने बहुत बार बताया है क्या करने से आपके बुरे कर्म कटते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर डीएम करके सवाल का जवाब दीजिए, और अपना नंबर वहां पर ड्रॉप कीजिएगा, मुझसे आप फिर जल्दी से फोन पर कनेक्ट होइएगा, राइट? तो जिस दिन आपके अंदर ये वाला भाव आ गया, उस दिन आप ये नहीं कहोगे इसने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, मेरा ऐसा कर्म था, भगवान जी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे अपने मुझे चुपता हुआ कहते हैं, मैं मूव ऑन, बस भग हो गया। आप ये सब नहीं करोगे, राइट? तो वीडियो पसंद आया गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब कर लो, लोगों को बोलो यार सब्सक्राइब करने, इतने कम सब्सक्राइबर हैं। हरे कृष्णा।